हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाय देवनाथ, फिर से आ गया हूं एक नया ट्यूटोरियल के साथ, जहां पे आज हम लोग सीखेंगे RxJS के बारे में। RxJS क्या है और किस तरह ये काम करता है वो हम लोग जानेंगे इस ट्यूटोरियल वीडियो में। जो जो चीज़ मैं बात करेंगे वो चीज़ बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रोजेक्ट्स में, जब हम लोग एंगुलर में किसी भी तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं या यूज़ करते हैं। RxJS जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी एंगुलर के साथ बाई डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है, तो हम लोगों को इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ता नहीं है। लेकिन हम लोग अगर चाहे तो इसका अलग से यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी तरह का जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लाइब्रेरी है, जहाँ पे इस लाइब्रेरी को यूज़ करके हम लोग किसी भी तरह का अगर ऐप डेवलप करना चाहते हैं इस RxJS लाइब्रेरी को यूज़ करके। ये RxJS बेसिकली रिएक्टिव एक्सटेंसिव लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट। कुछ मेन क्लासेस होता है जिसमें एक पहला क्लास आता है ऑब्जर्वेबल्स, और उस ऑब्जर्वेबल्स का एक क्लास है, उसके सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट जो है वो होता है ऑब्जर्वर। उसके बाद है ऑपरेटर्स, सब्सक्रिप्शंस बोलकर क्लासेस होता है, और सब्जेक्ट्स होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने कोडिंग सेक्शंस पे। RxJS एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसमें एसिंक्रोनस डेटा को लेकर काम किया जाता है। एसिंक्रोनस डेटा किस तरह काम करता है, कौन कौन सी एसिंक्रोनस डेटा होता है? एसिंक्रोनस डेटा बेसिकली क्या होता है, जो डेटा आ सकता है या आने वाला है उसको एसिंक्रोनस डेटा बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टर्म्स में। तो जो डेटा आ सकता है या आने वाला है उसको ऑब्जर्व करने के लिए जो क्लासेस या जो भी चीज़ इस RxJS फंक्शंस के थ्रू मिलता है, उसमें हम लोगों को कुछ क्लास और कुछ ऑपरेटर है जिसको एक साथ में मिला के हम लोग RxJS का फंडामेंटल काम करते हैं, तभी जाके RxJS का यूजेस होता है। तो RxJS बेसिकली क्या होता है, एसिंक्रोनस डेटा को लेकर काम करने के लिए जो लाइब्रेरी बनाया गया है वो है RxJS। RxJS बेसिकली रिएक्टिव लाइब्रेरी, रिएक्टिव लाइब्रेरी मतलब जो कि सॉकेट प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है। सॉकेट प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या होता है, एक डेटा जनरेट करता है जिस डेटा को कोई भी क्लाइंट उस डेटा को कंज्यूम करता है, मतलब जब सर्वर डेटा को प्रोड्यूस करता है उस डेटा को, जब तक कोई भी क्लाइंट उसको कंज्यूम नहीं करेगा तब तक क्या होगा, उस डेटा का यूजेस नहीं होगा या उस डेटा का फ्लो नहीं होगा। किसी भी लाइब्रेरी के साथ, मतलब किसी भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के साथ RxJS को यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। पहला चीज़ है आपको Node.js एनवायरनमेंट आपके पास होना चाहिए, यह पहला रिक्वायरमेंट आपके पास होगा जब आप RxJS लाइब्रेरी को लेकर यूज़ करोगे। उसके बाद आपको दूसरा एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है Parcel.js, जो कि आपको दिखाता हूँ। ये Parcel.js.org ये जो साइट है, यहाँ से क्या होता है, हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट HTML CSS को लेकर हम लोग कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोगों को पैकेज बिल्डर, मतलब जो कि पैकेज बिल्ड करके आपको एक प्रोडक्शन वर्सन जावास्क्रिप्ट दिया जाता है, जो कि आप तुरंत किसी भी वेब सर्वर में आप उसको डायरेक्ट होस्ट कर सकते हो। उसके लिए Parcel.js जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है इस काम को करने के लिए। इसके अलावा वेब पैक भी है, वेब पैक और Parcel के अंदर में अगर आप देखोगे तो Parcel.js बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, डायरेक्ट नॉर्मल HTML पेज के साथ काम करेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, और RxJS का जो पार्ट है वो मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसका पूरे डिटेल्स बात करूँगा। तो पहले हम लोगों को Node.js चाहिए, जो Node.js एनवायरनमेंट मेरे सिस्टम पे है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप Node.js एनवायरनमेंट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो Node.js आपके पास अगर इंस्टॉल हो जाएगा तब जाके आप एक काम कर सकते हो, आप टर्मिनल में जाके Node-V करके अपना जो Node एनवायरनमेंट वर्जन आपके पास होगा वो आप चेक कर सकते हो। टर्मिनल हो या कॉमन प्रॉम्प्ट हो, जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके टर्मिनल में कॉमन लाइन में जाके चेक करना होगा। तो ये हुआ पहला पार्ट। उसके बाद आपको ये Parcel.js का जो पैकेज है ये ज़रूरत पड़ेगा, बट मैंने इस Parcel.js जो पैकेज है ये बेसिकली यहाँ पे बोला गया है ग्लोबल,
क्योंकि माइनस जी मतलब ग्लोबल होता है, बट हम लोग इसको ग्लोबली सेटअप नहीं करेंगे क्योंकि मैं ग्लोबल जो हार्ड डिस्क स्पेस है वो मैं ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का इंटरनल पैकेज हमेशा की ज़रूरत पड़ता है और यहाँ पे भी मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर पड़ेगा। कोड लिखने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड ये कोड एडिटर में यूज़ कर रहा हूँ। पहले क्या है, मैं इसको चैप्टर वन करता हूँ क्योंकि RxJS ट्यूटोरियल का बहुत अलग अलग चैप्टर्स हो सकता है, इसलिए मैं चैप्टर वाइज ही करता हूँ, बेहतर होगा। तो यहाँ पे पहला चैप्टर मैं क्रिएट करता हूँ, CHAP चैप्टर वन। तो ये जो चैप्टर वन है, इस चैप्टर वन के अंदर मैं पार्सल जेस का पैकेज में पहले इनिशलाइज करेंगे। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, npm init init करना होगा। तो npm init करने के बाद ही तुरंत यहाँ पे बोल रहा है सजेशंस में कि पैकेज नेम चैप माइनस वन डालेगा, तो ये ऑप्शंस दे दिया है, तो मैं यस करता हूँ, तो इसलिए एंटर कर दिया। उसके बाद पैकेज वर्सन 1.0.0, तो ठीक है 1. वर्सन है। और यहाँ पे दिस इज RxTut पार्ट वन, यहाँ पे एंट्री पॉइंट index.js रहने देते हैं। टेस्ट कमांड कुछ लिखेंगे नहीं, रिपोजिटरी ज़रूरत नहीं है, कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है, ऑथर मैं अपना नाम दे देता हूँ, वैसे ज़रूरत भी नहीं है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, यस। तो यहाँ पे देखे package.json ये पैकेज बन जाता है। जब भी हम लोग नोट का एप्लीकेशंस बनाएंगे, नोट जेस से हम लोग किसी भी तरह का अगर एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसके लिए शुरुआत के टाइम पे हम लोग को package.json की ज़रूरत पड़ेगा। आपको एंगुलर में काम करते हो या आप रिएक्ट में काम करते हो या व्यू में काम करते हो, आपको अगर फ्रॉम स्क्रैच अगर किसी भी नोट एप्लीकेशन को बनाना है, तो आपको पहले शुरुआत में आपको package.json की इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, पहले हम लोगों को इंस्टॉल करना होगा पार्सल पैकेज को, क्योंकि इसके ऊपर बेस करके अपना प्रोजेक्ट जो है उसको बनाएंगे। तो इस पार्सल पैकेज को मैं ग्लोबली नहीं इंस्टॉल करना चाहता हूँ, लोकली इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, npm space minus g को हटा दिया, ओनली ये रख दिया, इसको एंटर कर देते हैं। ये पैकेज लोकली डाउनलोड होगा, जो कि नोट मॉड्यूल्स फोल्डर बोलकर एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी नोट मॉड्यूल्स बोलकर एक फोल्डर आ गया है, तो इसके अंदर सारे पार्सल का जो बंडल है वो आ चुका है। और यहाँ पे आने के बाद ही हम लोगों को पार्सल जो कमांड है इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। जो कमांड है, इस कमांड को package.json के अंदर से हम लोगों को कॉल करना चाहिए, क्योंकि ये पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल किया नहीं है, तो इसलिए ये ग्लोबली इस टर्मिनल से डायरेक्टली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जब हम लोग इस पैकेज के अंदर से कॉल करेंगे तभी जाके ये एक्सेप्टेबल होगा। तो इस पैकेज के अंदर से हम लोगों को कॉल करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो स्क्रिप्ट बोलकर जो फंक्शन है, मतलब जो पार्ट है स्क्रिप्ट पार्ट का अंदर में, हम लोगों को स्टार्ट बोलकर मैंने एक फंक्शन यहाँ पे यूज कर लो, और यहाँ पे PARCL पार्सल करके मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोगों का प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। और प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे src बोलकर ये बेसिकली डिफॉल्ट एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना लेता हूँ, जैसे कि हम लोगों का एंगुलर में भी होता है, तो उसी तरह हम लोगों को ये सोर्स बोलकर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना लिया। और उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर हम लोगों को index.html करता हूँ, जिसके अंदर से हम लोगों का प्रोजेक्ट फाइनली बिल्ड होगा और उस प्रोजेक्ट को हम लोग एक्चुअली देख पाएंगे फाइनल कंप्लीशन प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे सोर्स फोल्डर को मेंशन करना होगा, उसके बाद index.html यहाँ पे इस html फाइल को मैंने कॉल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे html5 बोलकर इस में हम लोग को डिफॉल्ट html टेम्पलेट मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं RxJS को यूज़ करूँगा, बट टाइपस्क्रिप्ट फॉर्मेट में यूज़ करेगा तो बेहतर होगा। तो इसके लिए हम लोगों को सिंपल सा स्क्रिप्ट सोर्स में क्या करता हूँ, main.ts करके यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट फॉर्मेट में फाइल को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक HTML टैग डालता हूँ, जहाँ पे ID देता हूँ out। बहुत ही सिंपल से कोड मैंने यहाँ पे यूज़ कर लो, जिससे
हम लोगों को इसका जो फंक्शनलिटी है किस तरह काम कर रहा है वो पता चले। तो इसके लिए पहले ये फंक्शनलिटी मेन डॉट जे सॉरी नॉट जेस टी एस, और यहाँ पे पहले क्या है भार भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जावास्क्रिप्ट में एक्सपोर्ट होगा, बट बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट फॉर्मेट में इक्मास्क्रिप्ट 600 ज़्यादातर यूज होता है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे, तो कॉन्स्ट आउट बोलकर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी करके यहाँ पे आउट ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, और इस आउट ऑब्जेक्ट में थ्रू जावास्क्रिप्ट हम लोग डेटा डाल के देखता हूँ। हेलो हेलो फ्रॉम टी एस मतलब टाइपस्क्रिप्ट से ये जाएगा। तो अभी ये लगभग ख़त्म है ये दोनों फाइल को, और हम लोगों का यहाँ पे स्क्रिप्ट पार्ट को सेटअप किया था जहाँ पे पार्सल को कॉल करके पार्सल कमांड लाइन को कॉल करेंगे इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर से। तो उसके लिए हम लोगों को npm start ये कमांड डालना होगा, ये बेसिकली कमांड है, डायरेक्टली हम लोग इसको npm start करेंगे तो हम लोगों का ये पार्सल सोर्स कमांड जो है वो बेसिकली यहाँ पे काम कर गया है। जब भी हम लोग ts के साथ काम करने वाले तो क्या हुआ, वो पार्सल पैकेज बाय डिफॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लिया है, टाइपस्क्रिप्ट डेव डिपेंडेंसीज को यूज़ कर लिया। अभी इसको यूज़ करने के बाद हम लोगों का सर्वर को स्टार्ट करेगा। तो ये सर्वर बेसिकली क्या है, लोकल होस्ट 1234। तो ब्राउजर में जाते हैं और सिंपल से लोकल होस्ट 1234 करके हेलो फ्रॉम ts जो कि हम लोग यहाँ पे लिखे थे हेलो फ्रॉम js करके इसको भी सेव करता हूँ और इसको देखता हूँ। तो क्या हुआ, तुरंत अपडेट हो चुका है हेलो फ्रॉम prcl पार्सल js। तो जैसे ही सेव करता हूँ तुरंत ये अपडेट हो जाता है। अच्छी बात है कि हम लोगों का जो सोर्स कोड है वो तुरंत अपडेट हो जा रहा है। तो अभी क्या काम है, अभी हम लोगों का काम यह है कि हम लोगों को rxjs को हम लोगों का जो html फाइल है इसके अंदर हम लोग उसको यूज करके देखेंगे बहुत ही सिंपल से प्रोसेस में कि rxjs का क्लासेस है जो ऑपरेटर्स है वो किस तरह काम करते अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। क्या क्योंकि मैंने यहाँ पे ओनली कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पे ज़्यादातर ईवाई को छोड़ के ओनली कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे rxjs को इंस्टॉल करना होगा। तो ये है बेसिकली rxjs पैकेज को इंस्टॉल करने का प्रोसेस। तो इसको मैंने डायरेक्टली पहले मैंने ये टर्मिनल को ऑफ कर दिया और उसके बाद यहाँ पे इस पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ। तो यहाँ पे npm इंस्टॉल करके ये rxjs हम लोग के पैकेज के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे ये पैकेज है और यहाँ पे ये पैकेज बेसिकली हम लोगों का डिपेंडेंसी पैकेज के अंदर आ चुका है। तो ये हो गया बेसिकली डिपेंडेंसीज पैकेज। तो ये डिपेंडेंसीज पैकेज के बाद हम लोगों को काम क्या करना है कि हम लोगों को rxjs को अपने ts फाइल के अंदर यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे rxjs फाइल को यूज़ करने के लिए क्या है, यहाँ पे इस तरह यहाँ पे कॉल किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग उस तरह भी कॉल करते हैं तो क्या करेंगे, इम्पोर्ट फ्रॉम मैंने करता हूँ और यहाँ पे rxjs, यहाँ पे हम लोग पहला क्लास मैंने यूज़ करने वाला हूँ वो है यहाँ पे ऑब्जर्वेबल। इसका बेसिकली क्या है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है स्ट्रीमिंग डेटा के साथ जो कि सर्वर से आता है, बट यहाँ पे स्ट्रीमिंग डेटा हम लोगों को सर्वर से डायरेक्ट मैं लिंक नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए वजह से मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेबल जो पार्ट है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इस पार्ट को किस तरह मैंने यूज़ करके इसको काम पे लगाता हूँ वो देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना है, ये ऑब्जर्वेबल क्लास जो आया इस ऑब्जर्वेबल क्लास के लिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट ऑब्जर्वर जो कि ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जर्वेबल डॉट क्रिएट ऐसा भी कर सकते हैं या आप चाहो तो न्यू ऑब्जर्वेबल करके ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे
मैं अभी के लिए ऐसे करता हूँ, ऑब्जर्वेबल डॉट क्रिएट करके यहाँ पे OBSR शॉर्ट फॉर्म ऑब्जर्वर करता हूँ। यहाँ पे एक मैं स्क्रिप्ट 600 का फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। तो इसमें जो मेथड आता है नेक्स्ट, इस मेथड के थ्रू हम लोग डेटा भेज सकते हैं, डेटा सेंड इट। यहाँ पे बेसिकली तीन तरह का डेटा हम लोग ऑब्जर्वेबल से भेज सकते हैं। एक नेक्स्ट है, अगर किसी भी तरह का एरर आ जाता है तो यहाँ पे एरर आता है, और फाइनली कंप्लीट आता है। बट यहाँ पे जो कंप्लीट वाला पार्ट जो है, इस कंप्लीट वाला पार्ट में किसी भी तरह का पैरामीटर जाता नहीं है, बट ये दोनों में पैरामीटर जाता है। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना है, ये ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाए थे इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये सब्सक्राइबर मेथड है। सब्सक्राइबर मेथड में क्या होता है, हम लोगों का इस ऑब्जर्वर का रिस्पॉन्स आएगा, जो रिस्पॉन्स हम लोग पहले लॉक करके कंसोल में देख लेता हूँ। ये जो पहला जो रिस्पॉन्स आया ये बेसिकली नेक्स्ट के बिहाव में आया। उसके बाद सेकेंड जो पार्ट आता है वो एरर के लिए आएगा, तो यहाँ पे लॉग एरर, और फाइनली जो आता है वो कंप्लीट। उसके लिए बेसिकली कुछ इनपुट तो उधर से मिला नहीं है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर करेंगे तो ये बेसिकली कंप्लीट कंप्लीट प्रोसेस। तो ये तीनों प्रोसेस हम लोगों को मिलता है एक ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट से। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट ऊपर में क्रिएट हुआ है, और ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को कॉलिंग किया गया है। तो इसको सेव कर देता हूँ, सेव करके फिर सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम लोगों को कंसोल में जाके देखना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, डेटा सेंडेड मतलब नेक्स्ट से आया, गेटिंग एरर से आया थ्रू लॉग से। तो यहाँ पे क्या मिला, डेटा सेंडेड और गेटिंग एरर, ये दोनों डेटा मिला, बट कंप्लीट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि कंप्लीट इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जब भी ये डेटा एरर मिल जाता है तो इस एरर को कंप्लीट तक पोस्ट नहीं देगा। तो इसलिए क्या होगा, अगर हम लोगों को डेटा मिल रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं मिला तब एरर आएगा। लेकिन मिलकर अगर डेटा आना बंद हो गया तब क्या होगा, हम लोगों का ये कंप्लीट सक्सेस पे जा सकता है, या कंप्लीट अगर कहीं पे हम लोग डिक्लेयर कर दें तो भी हम लोग को ये कंप्लीट जो फंक्शन है वो जनरेट होता है, और उसके अंदर में किसी भी तरह का पैरामीटर पास होता नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली कंप्लीट प्रोसेस बोलकर यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे डेटा सेंडेड और कंप्लीट प्रोसेस ये आ गया है। तो बेसिकली ये ऑब्जर्वेबल का एक बेसिक आइडिया है। तो इसको लाइवली कैसे काम करेगा, मतलब इसको लाइव एग्जांपल्स में किस तरह काम करेगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक काउंटर यूज करता हूँ। एक काउंटर के लिए मैंने यहाँ पे लेट आई करके यहाँ पे एन करता हूँ, एन करके मैंने यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ जिस नंबर को जीरो से स्टार्ट होता है, और इस जीरो को टाइम बफरिंग में इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ। एग्जैक्ट टाइम बफरिंग में हम लोगों को इस डेटा को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कोडिंग सेम ही रहेगा, सिर्फ ऑब्जर्वेबल का जो पार्ट है वो उसको मैंने थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टाइम आईडी बनाता हूँ जो कि सेट इंटरवल का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि सेट इंटरवल जो ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, वो एक के बाद एक डेटा को जनरेट करते रहते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरवल का एक आईडी मिलता है, उसको हम लोगों को क्लियर कर देना पड़ता है एक टाइम के बाद। तो उसके लिए हम लोगों को ये टाइम आईडी लेना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन प्रोसेस यहाँ पे यूज करना पड़ता है जो कि कॉल बैक फंक्शन होता है। कंडीशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन ये है कि एन जब तक 10 से कम होगा तब तक क्या होगा, यहाँ पे डेटा जनरेट करते रहेगा। तो यहाँ पे डेटा सेंड करने के लिए ये नेक्स्ट फंक्शन के थ्रू ये डेटा को सेंड करेगा। तो यहाँ पे डेटा सेंड कर रहा है, तो ये डेटा जो सेंड करेगा, इस डेटा को सेंड करने के बाद यहाँ पे जब ये 10 तक खत्म हो जाएगा कि हम लोग का जो लूप है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एरर भी दे सकता हूँ अगर किसी भी तरह डेटा अगर नहीं मिला, तो अगर हम लोगों को डेटा मिलने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो उसमें हम लोग एरर डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं
इस प्रोसेस को कंप्लीट दे देता हूँ कि हम लोग का ये जो लूप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, कितने टाइम के इंटरवल को चला गया उसको एक सेकंड में, मतलब 1000 मिलीसेकंड इंटरवल है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 1000 मिलीसेकंड जो इंटरवल है वो एक सेकंड का बराबर है। तो उसके बाद यहाँ पे इस डेटा को यहाँ पे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न करना पड़ता है इस ऑब्जर्वेबल को क्लोज करने के लिए। और यहाँ पे जब क्लोज कर रहे तो यहाँ पे क्लियर इंटरवल करके यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा था टाइम आईडी, इसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देंगे कि जब हम लोगों का ये ऑब्जर्वर पार्ट ख़त्म हो जाएगा तब हम लोगों का ये ऑब्जर्वर को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे ऑब्जर्वेबल का जो पार्ट है, ऑब्जर्वेबल का पार्ट बेसिकली यहाँ पे एक रिटर्न पार्ट आता है जो बेसिकली अनसब्सक्राइबर पार्ट हो। बेसिकली जब क्या होता है, हम लोगों का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उस टाइम पे हम लोगों का ये रिटर्न आ जाता है जहाँ पे हम लोगों का ये फंक्शन को एंडिंग कर दिया जाता है। और एंडिंग हो जाने के बाद ये इसमें मैंने कंसोल.log लॉग में अनसब्सक्राइब लिख दिया हूँ कि जिससे हम लोगों का ये जो टाइम आईडी है ये भी क्लियर हो जाए, सेट इंटरवल वाला जो ऑब्जेक्ट बन रहा था वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग का जो स्ट्रीमिंग जो डेटा है वो डेटा हम लोगों को यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप डेटा एक के बाद एक सिक्वेंशियली हम लोगों को मिल रहा है कंसोल में। इसको हम लोग चाहे तो पेज में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे डेटा हम लोगों का रिस्पॉन्स में मिल रहा था उसमें हम लोग आउट डॉट इनर एचटीएमएल में क्या करता हूँ, गेट करके यहाँ पे मैं पूरे रिस्पॉन्स जो आ रहा है उस रिस्पॉन्स को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को एक एक करके जो भी डेटा सिक्वेंशियली आ रहा था वो हम लोग को यहाँ पे मिल गया है। तो यही रहा बेसिकली आज का जो टॉपिक, मैंने जो ऑब्जर्वेबल के टॉपिक के ऊपर बात कर रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको ऑब्जर्वेबल के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो गया है। आपको ये जो टॉपिक है ये आपको कैसा लगा, इसमें आपको ऑब्जर्वेबल का जो पार्ट है RxJS का वो आपको क्लियर हुआ है या नहीं है वो कमेंट पे बताइए। और मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे की ट्यूटोरियल देखते रहिए, क्योंकि मैंने सीरीज़ भी कर रहा हूँ साथ में जो कि ऑडियो फ्लाई बोलकर एक सीरीज़ है, वो भी आप देखिए वो आपको कैसे लग रहा है, वो भी आप कमेंट पर लिख सकते हैं। और जितना आप लोग कमेंट करेंगे उतना मेरे लिए मोटिवेशन आएगा। लाइक जरूर करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ और चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हमेशा देते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।